मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से नए वर्ष में राज्य शासन की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। महिला बाल विकास मंत्री रंजना बघेल ने गुरुवार को धार जिले के मनावर में शासकीय कन्या उमा विद्यालय के वार्षिकोत्सव को संबोधित कर प्रतिभाशाली छात्राओं को पुरस्कृत किया। और किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने आज कृषक दूत डायरी 2013 का विमोचन किया। नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और हेडलाइंस के बाद आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। उनके साथ गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, मुख्य सचिव आर परशुराम और डीजीपी नंदन दुबे भी आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की। महिला अपराधों पर सरकार का रुख सख्त है, इसी के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिनिधि मंडल के साथ चीफ जस्टिस से मुलाकात की। प्रदेश में महिला उत्पीड़न संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और स्पेशल कोर्ट स्थापित करने के अलावा नया कानून बनाने पर विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि हाल ही में प्रदेश में महिला हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रदेश के किसी भी स्थान से महिला फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। यहां आने वाली शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बीते वर्ष की तरह वर्ष 2013 को भी विकास और जन कल्याण की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष बनाना है। चौहान ने सभी विभागों को सुशासन की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री चौहान यहां मंत्रालय में संयुक्त बैठक ले रहे थे। बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 4 जनवरी को ब्यावरा से तिरुपति और छिंदवाड़ा से द्वारका के लिए तीर्थयात्री ट्रेन रवाना होगी। तीर्थयात्रियों को लेकर 5 जनवरी को सागर से रामेश्वरम जाएगी ट्रेन। ब्यावरा से तिरुपति जाने वाली ट्रेन में जिला राजगढ़ से 333, शाजापुर से 330 और रतलाम से 317 तीर्थयात्री जाएंगे। इसी प्रकार छिंदवाड़ा से द्वारका जाने वाली ट्रेन में जिला सिवनी से 241, छिंदवाड़ा से 364, बेतुल से 276 और हरदा के 58 तीर्थयात्री जाएंगे। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने कृषक दूत डायरी 2013 का विमोचन किया। डायरी में कृषि और किसानों से संबंधित जानकारी समाहित है। इस दौरान कृषक दूत के प्रधान संपादक अमरेंद्र मिश्रा और कृषक सदानंद गौतम भी उपस्थित थे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2013 से शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अब स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 1500 रुपए पुस्तकों के लिए दिए जाएंगे। इन्हें 500 रुपए स्टेशनरी के लिए भी मिलेंगे। इन्हें पहले स्नातक स्तर पर 600 रुपए और स्नातकोत्तर स्तर पर 800 रुपए पुस्तकों के लिए दिए जाते थे। बीपीएल योजना में आवंटित खाद्यान्न में से चयनित गरीब वरिष्ठ और वृद्ध दंपतियों को मार्च तक प्रति माह राशन दिया जाएगा। जिलों में बीपीएल परिवारों में से चिन्हांकित गरीब वरिष्ठ नागरिकों और वृद्ध दंपतियों को जारी गुलाबी रंग के राशन कार्ड के आधार पर खाद्यान्न मिलेगा। गुलाबी रंग के राशन कार्डों पर प्रति माह 20 किलोग्राम प्रति कार्ड, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम के मान से चावल वितरण करवाया जाएगा। देश की नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर गतिशील बनाने के लिए वी केयर अभियान संचालित किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए मुख्य सचिव आर परशुराम ने आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं और मिशन संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, समस्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखा है। एमपी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एमएसटीवी न्यूज़। नमस्कार।